हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हंगरी माइंड क्लासेस। आज हम 8 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सभी कवर करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मिस एशिया ग्लोबल 2019 का ताज किसको पहनाया गया है? सर्बिया की सारा दमनजोविक को मिस एशिया ग्लोबल 2019 का ताज पहनाया गया। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि इस संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था। इस संस्करण का आयोजन केरल के कोच्चि में गोकुल कन्वेंशन सेंटर में इस संस्करण का आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के बीच पावर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण का प्रदान किया? 451 मिलियन डॉलर ऋण का प्रदान किया है। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में, याद रखना, फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके हेड कौन है? ताके ही को नकाओ, याद रखना, ताके ही को नकाओ इसके हेड हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रेलवे ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर 2 हेल्थ एटीएम स्थापित किए। तो याद रखना, हेल्थ एटीएम कहां पर स्थापित किए गए हैं? लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर स्थापित किए गए हैं। इन हेल्थ एटीएम द्वारा 50 से 100 रुपये में 16 स्वास्थ्य जांच सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अच्छा, इसमें चेकअप दो प्रकार का होगा, एक 100 रुपये वाला जिसमें 9 मिनट का चेकअप होगा, एक 50 रुपये वाला जिसमें 6 मिनट का चेकअप होगा। अच्छा, यहाँ पर लखनऊ की बात आई है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। लखनऊ किसकी कैपिटल है? यूपी की कैपिटल लखनऊ है। और यूपी की बात हुई है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, याद रखना, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं। और यूपी की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है यूपी की गवर्नर? आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS एनिबेसेंट भारतीय तट रक्षकों को प्रदान किया। तो याद रखना, GRSE ने कौन सा पेट्रोल वेसल है जो भारतीय तट रक्षकों को प्रदान किया? ICGS एनिबेसेंट। अच्छा, आप सभी को पता होना चाहिए कि ICGS एनिबेसेंट की जो टॉप स्पीड है वो 34 नोट पर माइल है और ये 1500 से अधिक समुद्री मील की दूरी तय करने में सक्षम है। 1500 से भी ज़्यादा समुद्री मील की दूरी चल सकती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 34 नोट पर माइल है। अच्छा, GRSE की बात हो रही है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित 2019 G20 देशों के 6वें संसदीय शिखर सम्मेलन में भारतीय संसद के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। तो याद रखना, G20 देशों के 6वें संसदीय शिखर सम्मेलन में हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ओम बिरला ने किया। अच्छा, जापान की बात हो रही है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो जापान की कैपिटल है। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी है येन। जापान की करेंसी क्या है? येन। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे, याद रखना, जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। और जापान के सम्राट कौन बने हैं? अभी बने नारुहितो, याद रखना, नारुहितो जापान के सम्राट बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि न्यूयॉर्क स्थित डिजिटल कंटेंट और प्रोडक्शन एजेंसी बोर्न ग्रुप को 95 मिलियन डॉलर में किसने खरीद लिया है? टेक महिंद्रा लिमिटेड ने बोर्न ग्रुप को 95 मिलियन डॉलर में खरीद लिया है। अच्छा, टेक महिंद्रा की बात चल रही है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके MD और CEO कौन है? MD और CEO कौन है? CP गुरनानी, याद रखना, CP गुरनानी टेक महिंद्रा के MD और CEO हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, कैडेट 2019 किन दो देशों के बीच स्टार्ट हुआ? अमेरिका बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच कैडेट 2019 स्टार्ट हुआ। ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ? ये बांग्लादेश के चट्टोग्राम में स्टार्ट हुआ। कहाँ पर? बांग्लादेश के चट्टोग्राम में स्टार्ट हुआ है। अच्छा, बांग्लादेश की बात हो रही है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका बांग्लादेश की करेंसी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। तो याद रखना, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? चीन के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? चीन के द्वारा किया गया।
सूडान के रिमोट सेंसिंग उपग्रह SRSS-1 को सेंजिन एरोस्पेस ओरिएंटल रेड सी सैटेलाइट कंपनी द्वारा विकसित किया गया। तो कौन सी कंपनी जिसने ये उपग्रह विकसित किया? सेंजिन एरोस्पेस ओरिएंटल रेड सी सैटेलाइट कंपनी का नाम है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दृष्टिगत लोगों के लिए हाल ही में कौन सा स्टेशन अनुकूल हो गया है? कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन हाल ही में दृष्टिगत लोगों के लिए अनुकूल हो गया। इससे पहले 3 स्टेशन थे, कौन कौन से? मैसूर, बेंगलुरु और मुंबई। अब चौथे नंबर का स्टेशन बन गया कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन पर ब्रेल सूचना बोर्ड और ब्रेल लिखित हैंड रेल स्थापित किए गए हैं। तो ये थे हमारे 8 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।